एक अच्छे विद्यार्थी में क्या लक्षण होने चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए, हमें जीवन में सफल होना है। चलिए आइए इन पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। यानी कि ये पांच लक्षण हर विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला, कौवे जैसी ज्ञान प्राप्ति हेतु चेष्टा। कौवा बड़ा ही सतर्क रहता, जरा सी हाट पाकर उड़ जाता। हमें एक विद्यार्थी को भी कौवे की तरह अपने लक्ष्य के प्रति, हमारे सामने वाला हमारा शिक्षक हमें क्या समझा रहा, हमारे गुरुजी हमें क्या बता रहे, उधर हमारा ध्यान होना चाहिए। अध्ययन में बगुले जैसा ध्यान, बको ध्यान। जिस तरह बगुला जब शिकार पर होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने शिकार पर होता और कभी भी उसका बार खाली नहीं जाता, उसी तरह हमें भी अध्ययन एकाग्रचित होकर करना चाहिए, तभी हमारा अध्ययन, हमें पढ़ा हुआ पाठ याद रहेगा। पढ़ते समय इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पुस्तक पर। जिस प्रकार बगुला अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, कुत्ते जैसी कम नींद। कुत्ता बहुत कम सोता है और सोता भी है तो जरा सी आहट इधर उधर होती जगकर तुरंत खड़ा हो जाता है। अगर हम ज़्यादा सोएंगे तो फिर अध्ययन कब करेंगे। स्वान निंद्रा, उसके बाद अल्पाहारी, भूख से कम भोजन करने वाला। अधिक भोजन करेंगे तो हमें आलस आएगा और जब आलस आएगा तो हम अध्ययन नहीं कर सकते। और एक विद्यार्थी को ही क्या, किसी को भी भूख से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो आज से ही प्रण करें कि सिर्फ भूख तक या भूख से एक रोटी कम ही खाएंगे। घर का मोह ना रखने वाला, गृह त्यागी। यानी कि अल्पाहारी के बाद गृह त्यागी। जितने भी महान विद्वान लोग हुए उन्हें घर से दूर जाना पड़ा और जो भी घर का मोह रखते हैं वो अध्ययन नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, तो घर का मोह नहीं होना चाहिए। और ये पांच लक्षण अच्छे विद्यार्थी के बताए गए हैं।